कभी कभार ऐसी फाइल देखने को मिलती है आपको, जैसे कि ये देखो, अब प्रॉब्लम में पड़ जाते हो कि यार इसको, ये बहुत लंबी है, देखो फाइल बहुत लंबी है, तो मतलब इसमें देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब इतनी लंबी है, इसको प्रिंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, उसको एडजस्ट करने में भी, ये खाली कॉलम्स है यहाँ पे, तो इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। तो इसको एक्सेल में खोलने के लिए, जैसे कि ये टेक्स फाइल है, इसको एक्सेल में खोलने के लिए आपको एक तरीका है, उस तरीके से आप एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो एक्सेल में चलेंगे, एक्सेल खोल दिया, फिर जाएंगे डेटा पे और फिर फ्रॉम टेक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जहाँ फाइल पड़ी है टेक्स फाइल, इसको ओके कर दीजिए, फिर इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, फिर ये लिखा हुआ है ना डेलिमिटेड, इस पे क्लिक कीजिए। देखो सबसे पहली बात ये आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब इसको देखो, इसको ध्यान में रखना है कि ये फाइल है ना, ये सेपरेटेड कहाँ से है, तो इसको देखो ये इस साइन से सेपरेट हो रही है, तो उसके हिसाब से इसको डेलिमिट करना है, तो ये अलग अलग हो जाएगी। देखो फिर एक्सेल में जाएंगे, तो इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल पड़ी है, इसको सेलेक्ट कर दिया, तो डेलिमिटेड इस पे क्लिक करेंगे आप, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ये टैब वाला ऑटोमेटिक साइन, इसमें ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटिक साइन लगा हुआ होगा, इसको रिमूव कर देंगे, फिर अदर पे क्लिक करेंगे, फिर जो आपको इंडिकेट किया था ना साइन, जिससे वो फाइल सेपरेट हो रही थी, तो उसको इससे शिफ्ट और इससे ये साइन इंडिकेट कर दो, अदर में जाके ये साइन इंडिकेट कर दिया। अब देखो इसमें देखो फ़र्क पड़ेगा, दिखना ये है, देखो ये फ़र्क हो गया। ये चेक भी कर सकते हैं प्रीव्यू आप, ऐसे अगर आपकी आपको फाइल चाहिए तो इसको नेक्स्ट कर देना, फिर फिनिश, फिर ओके कर दो। देखो ये हो गई, अब इसको एडजस्ट करना है, जैसे कि ये देखो यार के इस साइड में आ रहा था, इसको फिर आपके हिसाब से इंसर्ट पे क्लिक कर दो। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद है ना, और ये इधर आ जाएगा, इसको रिमूव कर दो, फिर डिलीट कर दो, ये आ गया यहाँ पे, और इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। देखो ये नेम अलग आ गए, ये राशि जो इसकी लिमिट है ये आ गई अलग, और करंट बैलेंस इसको एडजस्ट कर दो। अब अकाउंट नंबर भी आ गए, और DMR नंबर ये भी आ गए जो भी है, और ये इसको एडजस्ट कर दो। ये देखो पूरी फाइल सेपरेटेड हो गई है, इसको आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर देखो ये देखो एडिट भी होती है, अपने एडिट नहीं करना है इसको, फिर इसको आपके हिसाब से कर दो।